इस तरफ, एक एक तरफ। थैंक यू गाइस, चलता कर लेते हैं सेटल। It has just been so refreshing and seeing both of you together romancing there, it has been a visual treat. What has been the experience like? Actually, सच कहा इतनी गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है वीडियो, क्योंकि हमने जब शूट किया था वो -2 degrees में शूट किया हमने, वो भी सोनमर्ग कश्मीर में। और जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, वे लिटरली इन अ कॉटन यू नो कुर्ता एंड ही इज इन अ लिटिल शर्ट। आई थिंक यू आर वेयरिंग अ जैकेट। नो, आई एम वेयरिंग अ जैकेट। आई वाज स्टिल क्राइंग बट या, बिकॉज़ इट वाज सो कोल्ड। लेकिन वो कहते हैं ना, बचपन का जो ख्वाब होता है कि जब हम मूवीज़ में देखते थे यश चोपड़ा की जो यू नो पुराने ज़माने की मूवीज़ थी, जिसमें श्रीदेवी जी बर्फ़ में नाच रही हैं और यू नो रोमांटिक गाना चल रहा है, तो वो सपना पूरा हो गया। बट ये भी पता लग गया कि कितना डिफ़िकल्ट होता है उस कंडीशंस में शूट करना। वी हैड एन अमेजिंग टाइम शूटिंग है, द सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुल एंड वी लव्ड इट। व्हाट अबाउट यू? जानो आप हर टाइम सब बोल देते हो फिर मेरे पास। ओह गॉड, हर टाइम आप हर चीज बोल देते हो फिर मेरे पास आते हो। व्हाट अबाउट यू? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यू नो एक वर्चुअल फिल्म का फील आया जब हमने जी जी यू प्लेइंग अ पार्ट गॉड्स प्लेइंग अ पार्ट, सो इट्स बीन डिफरेंट, यू नो इट्स अ डिफरेंट सॉन्ग, इट्स अ डिफरेंट सॉन्ग। या क्लोथिंग, द स्टाइलिंग, ऑफ कोर्स विजुअली इट्स ब्यूटीफुल। सो कैसा लगा? यू नो डिफरेंट सॉन्ग है, मतलब इसमें एक्टिंग हमें ज्यादा एक स्पीक जो नजर आई बहुत अच्छी लगी। बोलो। एक्चुअली आई वो मैं खुद ऐसी चीज़ के लिए रुका था बहुत टाइम से, एंड व्हेन दिस सॉन्ग हैड कम टू मी, तो मैंने सबसे पहली चीज़ यही पूछी थी कि कॉन्सेप्चुअल वाइज है कि इट्स जस्ट द सेम लाइक जैसे चलता हुआ आ रहा है। हाँ, यूजुअली तो मुझे बोला गया था कि नहीं नहीं बहुत काफ़ी एकदम ओके फाइन नया हो ना मैं तो आदत नया आदत नहीं बोलने जा रहा था। सो जब मुझे बताया गया था स्टोरी के बारे में, तो आई वाज लाइक यार इसमें तो मैं मस्त एजेंट बना हुआ हूँ, कर लेते चलो डन। बट देन व्हेन वी शॉट, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट हुआ है और इट्स कम आउट रियली नाइस। सो माय एक्सपीरियंस वाज वेरी कोल्ड ओवर देयर, बहुत कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी सच में। एंड एक छोटा सा पार्ट था वहाँ पे जो स्टार्ट का ही पार्ट था, जिसमें मैं बोलता हूँ कि अभी नहीं जोया, मुझे थोड़ा वक्त दो, तो आप बिलीव नहीं करोगे इतनी, बिकॉज ठंड तो ठीक है चल जाती, बट जो हवाएं आती है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज हवाएं आपको सीधा मारती है और पहाड़ों में की हवाएं मतलब सुभान अल्लाह। तो मैं बोलने जा रहा था कि बस मुझे थोड़ा वक्त दो, तो जो बस होता है ना, तो लिप्स मेरे इतने ड्राई हो गए थे कि मेरा जो बस था वो ऐसे अटक गया। ड्राई नहीं थे, फ्रीज हो चुके थे। अब वो आई डोंट नो ड्राई फ्रीज कुछ समझ नहीं आ रहा था। यू कुडंट मूव योर लिप, तो वो बस मुझे एक वो बस ही नहीं बोला जा रहा था जैसे, एंड आई वाज लाइक हो क्या रहा है? सो आई टच्ड हिज लिप्स, हिज लिप वाज कंप्लीटली फ्रोजन, एंड ही लाइक मुझे हिलाया नहीं जा रहा मेरा लिप, वो बस वर्ड नहीं निकल रहा है। पर बहुत बहुत मजा आया शूट करने में, काफी मजा आया, बहुत मज़ा आया। एंड एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि यूनिट कम थी, यू नो जब आप ऐसे कंडीशंस में शूट करते हैं स्पेशली म्यूजिक वीडियो, और उसको एक फिल्म का फील भी देना है आपको, तो यूनिट आप हमेशा कम लेके जाते हैं, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट टू शूट इन दोज प्लेसेस। बट उतने छोटे यूनिट में भी इतना बड़ा काम हम कर गए, तो बहुत मज़ा आया। एंड इट वॉज लवली, बिकॉज अफसाना की जो आवाज़ है उसके ऊपर परफॉर्म करना आई थिंक कोई भी एक्टर के लिए एक स्कोप ऑफ वर्क होता है, टू शो योर यू नो योर टैलेंट। सो आई थिंक हर वॉइस इज ब्यूटिफुल एंड आई होप दैट पीपल लव द वीडियो। You know the versatility of yours, girl, because the voice is so intriguing, and you played your part so well, it's suiting you so well. Thank you. Afsana ki awaaz bahut mushkil hota hai, you know, but you really carried it off very well. Thank you. So what do you have to say about the melody, about the song, and you know the whole feel of it, and now being a cinematic experience? You know, actually, जब हम गाने select करते हैं या हमारे पास कोई गाने आते हैं as an offer, we're very very particular about the song.
और जब सॉन्ग आपको एक सेकंड में क्लिक कर जाता है तो वीडियो का कॉन्सेप्ट एंड लोकेशन एंड ऑल ऑफ दैट वो बाद की बात आती है, यू नो, उसके ऊपर आप और कैसे उसे गाने को निखार सको. सो व्हेन वी हर्ड द सॉन्ग वी न्यू लाइक गाना बहुत अच्छा है. अफसाना की आवाज वाज जस्ट हमारे कानों में, यू नो, गूंज रही थी. एंड यस, आई ऑल्सो हैव अ नेचुरली हस्की वॉइस, तो आई थिंक हर वॉइस सूट्स माई फेस ऑल्सो. काफी लोगों ने, हाँ, टीजर जब बाहर आ चुका था तो मुझे मेरे एक दो तीन फ्रेंड्स है जो म्यूजिक डायरेक्टर ही है इंडस्ट्री में, तो दे एक्चुअली कॉल्ड मी एट नाइट एंड दे वर लाइक, अरे मैंने टीजर अभी देखा यार, ऐसे लग रहा है कि गौहर ही गाना गा रही है. हाँ, प्लीज़ जाके भाभी को बोलना कि एकदम उनकी आवाज़ और अफसाना जी की आवाज़ और उन पर एकदम सूट कर रही है उन पर ही. I've worked with others also, but with Gohar it's always been very actually very easy for me because naturally aa jata hai. तो आई वुडंट से कि मुझे बिल्कुल भी कोई चीज़ टफ लगी करने में, तो इट वाज काइंड ऑफ इजी फॉर मी बिकॉज ऑटोमेटिक केमिस्ट्री अंदर से आ ही जाती है, बीवी है ना. नहीं, एक्चुअली मेरे लिए उल्टा है, क्योंकि जब एक चीज़ इजी होती है वो स्क्रीन पे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं ये तो आनी ही आनी है. फॉर मी आई थिंक जैद एंड आई फॉरगेट कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जब हम शूट कर रहे होते हैं. And we become the characters and we try and stick to that. So, मेरे लिए वो काम करता है कि you know when we get into a professional mode, मुझे तो पता भी नहीं चलता है कि जैद के कौन से shots चल रहे हैं, मेरे कौन से shots चल रहे हैं. But when we are together, we just become actors and we try and help each other, you know, with the give and take. But we don't take it for granted. ऐसे नहीं लगता है कि you know, हाँ husband है तो कुछ भी चलेगा, ऐसे नहीं चलता है हमारे साथ. So, I like it that we keep it professional. I think हो ही जाता है automatically, मतलब. Yeah. What would you like to say for Tips, you know, the journey with Tips for this particular song? I absolutely loved it. I think Tips, of course, hum jante hain as one of the biggest brands in the music industry, bachpan se leke ab tak. And Bollywood ke saath to unka ek bahut bada nata hai hi, lekin Tips Punjabi jo hai, I'm very happy ke humne unke saath bhi ek gana karne ka mauka mila. And I think the whole package of Tips music coming together with Afsana Khan and itna badhiya gana, especially jab koi hit hota hai na, to unke sabhi gaane aise lagta hai ki nahi gaane ye bhi acha hai, ye bhi acha hai, ye bhi acha hai, lekin un gaanon mein se agar koi ek aisa gaana ho jo stand out kar jaye, to mujhe lagta hai Khair Kare mein wo ek potential hai. And because of the storytelling and because of course all the packaging that Tips Punjabi has, I'm sure it will be great. And I just hope that everybody loves watching it and loves it once again. Yeah. Then what do you have to say about this? Shut up, you did not. I would just say I'm happy actually because मुझे खुद को गाना देखने के बाद बहुत ही actually में बहुत अच्छा लगा गाना देखने के बाद. तो I'm just hoping for the best. सब लोगों को पसंद आए, बस वही चाहते हैं सब लोग. तो इंशाल्लाह let's see. Let's hope for the best. यू नो कश्मीर में इतना ज़्यादा प्यार है लोगों में, लोकल्स में. इट्स वेरी ऑपोजिट ऑफ वॉट द मीडिया यू नो पोर्ट्रेज कश्मीर एज. तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारे ऑफकोर्स टर्मोइल्स हैं, जो लोग वहाँ पर यू नो बुरे सिचुएशन से गुजरते हैं, और उसके बावजूद उनमें जो एक दिल है, कश्मीर का जो दिल है, वहाँ के लोगों में जो प्यार है, और जो वो टूरिस्ट को प्यार देते हैं, आई थिंक कश्मीर इज़ ऑलवेज बिन द फ्रंट रनर फॉर इंडियन टूरिज्म. एंड आई थिंक दैट इज़ द वन क्वालिटी जो लोकल्स की है वहाँ पर, जो प्यार देते हैं वो विजिटर्स को. आई थिंक दैट मेक्स इट एज रियली अ पर्ल, यू नो, जो एक कहते हैं वो ताज है इंडिया का. एंड उसे उसी तरीके से मेंटेन करना चाहिए, उसी तरीके से प्यार वापस देना चाहिए, और वहाँ के जितने भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करना चाहिए.
और एंड वी शुड बी वेरी प्राउड दैट कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड व्हाट अ जन्नत इट इज रियली. जब कहते हैं कि यू नो जन्नत अगर कहीं है धरती पे तो वो यही है और वो सच बात है. हम गुलमर्ग काफ़ी टाइम जाते हैं, हम यू नो दल लेक और ये सब की बातें करते हैं, लेकिन ये वीडियो में हमने सोनमर्ग में शूट किया जो कि विंटर के काफ़ी पहले बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उतनी ज़्यादा बर्फ पड़ती है. सो जब हमने वहाँ पर नवंबर फर्स्ट वीक में शूट किया था एंड वहाँ पर बंद होना शुरू हो गई थी चीज़ें, बट वहाँ की जो ठंड, वहाँ की जो यू नो उस ठंड में एक हमारे लिए बॉनफायर किया गया था एंड वो जो सारी यादें हैं, आई थिंक मेरी बहन भी आई थी हमारे साथ शूट पे, निगार. सो वो सारी यादें बहुत ही खूबसूरत हैं एंड आई रियली होप एंड प्रे, मेरी दिल से दुआ है कि जितनी खूबसूरती हम कश्मीर की वीडियोस और फिल्मों में देखते हैं हम उसे ज़िंदगी भर चेरिश करके रख पाएँ एज अ सिटी, एज अ स्टेट, एज अ पार्ट एंड अ जूल ऑफ इंडिया. बहुत कुछ है यार जो आपने बोला वही है मोस्टली. तो कुछ एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा होता है हर गाने की मेमोरी आप यू कैरी बैक होम. या सो आई थिंक देयर वाज दिस वन बट इट्स अ वेरी स्मॉल मेमोरी बट But it is. जब हम when we landed वहाँ पे and I think it's a very stupid memory but leave it. Yeah. जानो you say I don't remember any memory right now to be honest. खाना वहाँ का. Shit मुझे खाना ही दिमाग में था, मैंने सोचा कि खाना, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा. The first day I was like wow क्या खाना है. कश्मीर का खाना तो of course amazing है. और बस फिर मैं वही याद है मुझे फिलहाल. नहीं आई थिंक द बेस्ट पार्ट वॉज कि जब हम जहाँ पर शूट कर रहे थे इट वॉज द पॉइंट जहाँ पर चीज़ें एंड हो जाती हैं, जो पीक था जहाँ पर हम शूट कर रहे थे उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं था सोनमर्ग में, उसके बियॉन्ड हम जा भी नहीं सकते थे, वहाँ पे परमिशंस नहीं थे एंड वहाँ पर लिटरली खाना मतलब लोकेशन पर जैसे सेट पर खाना आता है वो आ गया एक बार तो लिटरली दे वुड से जल्दी खा लो क्योंकि उतनी ठंड में वो खाना अगर गर्म भी होता हो तो वो इंस्टेंटली ठंडा हो जाएगा. सो दे वर सो वरिड कि हमें ठंडा खाना मिल जाए बट वी वर लाइक इट्स ओके वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन यू नो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उस लोकेशन उस हिसाब से हमें एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. बट वो कश्मीर में एक चीज़ होती है कांगड़ी जिसमें आप कोयला डाल के वो आपको घंटों तक वो हीट देते रहता है. तो आई यूज टू ओनली लुक फॉर माई कांगड़ी, जैसे ही कट होता था वेयर माई कांगड़ी, आपको कांगड़ी पता है? लाइक ऑफ कोर्स पता है बिकॉज माई ब्रदर्स मैरिड टू अ कश्मीरी आल्सो. अरे मुझे एक मेमोरी याद आई. आई हाँ भी है अभी. यू रिमेम्बर हम लोगों ने एक बार सो वी वर टायर्ड एंड देन ऐसे ही बस घर पे बैठ होटल में आए थे वापस. तो आई थिंक देयर वाज दिस प्रोडक्शन का वी टोल्ड हिम कि कुछ बाहर आप ऐसे बॉनफायर लगा सकते हो तो और बट इट वॉज सो नाइस बिकॉज यू नो इट वॉज एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड. क्या हुआ मैं बताता हूँ क्या हुआ. तो उन्होंने आधे घंटे बाद बोला आपका बॉनफायर लग चुका है बाहर, मतलब होटल के एक ऐसे थोड़े से आगे. वी केम डाउन एंड यू वोंट बिलीव इतना बड़ा स्पीकर और गाने पुराने गाने बज रहे, इतना बड़ा बॉनफायर एंड पूरा चेयर यू नो द वे इट हैपेंड का पूरा मज़ा. और हम लोग वी वर देयर लाइक फॉर हाफ एन आवर बिकॉज उसके ज़्यादा तो रह नहीं पा रहे थे कोई. आग भी नहीं जल पा रही थी. बट इट वाज फन, दैट मेमोरी वाज वेरी गुड. फिर हम गाना बजा के थोड़ा कश्मीर एंजॉय कर रहे थे कश्मीर. सो मैसेज टू योर फैंस एंड ऑडियंस फॉर खुदा खैर करे. यस खैर करे इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, प्लीज डू वॉच इट. इट इज़ अफसाना खान्स वॉइस एंड मैं उम्मीद कर रही थी कि वो हमें ज्वाइन कर पाए आज बट आई थिंक शी कुडंट मेक इट. बट इट्स अ जेम ऑफ अ सॉन्ग, इट्स अ वीडियो जो हमने काफ़ी दिल से बनाया है एंड टिप्स पंजाबी का गाना है. तो प्लीज़ वॉच इट, आई होप यू लव इट एंड एवरीबडी मेक एज मच हंगामा ऑन सोशल मीडिया विद खैर करे एज यू कैन एंड जस्ट गिव अस योर लव एंड वी लव यू बैक. थैंक यू. Thank you, Janu, for saying so. Man on man. इधर ही कर रहे हैं.
यहीं पे हम इतनी गाड़ी हाँ ठीक है एक ही साइड से पी ऐसे क्रॉस कर लेंगे ना आवर यू डूइंग इट मैम